शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ही इस संसार ने सांस लेना शुरू किया, यानी इनसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से अंधकार का नाश करके सृष्टि में प्रकाश किया था। माँ कुष्मांडा का वास ब्रह्मांड के मध्य में माना जाता है और वह पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति माँ कुष्मांडा की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है, उनके सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। साथ ही माँ कुष्मांडा की पूजा से व्यक्ति को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। वही जीवन से सारा अंधकार दूर होता है। यदि विद्यार्थी माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो उन्हें बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है, साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है। उनकी आठ भुजाएं हैं। माँ कुष्मांडा के हाथों में धनुष, बाण, कमल पुष्प, चक्र, गदा, कमंडल, जप माला और अमृत पूर्ण कलश होता है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है। माँ कुष्मांडा की पूजा में हरे रंग के प्रयोग सबसे ज्यादा करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को हरा रंग और नीला रंग अति प्रिय है। मान्यता है कि माता कुष्मांडा की उपासना करने से परिवार में खुशहाली आती है। इस बीच मंदिरों में भक्त माता की पूजा उपासना करने के लिए पहुँच रहे हैं और मंदिर की रौनक देख कर भाव विभोर हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ की भव्य आरती उतारी गई, जिससे वातावरण शुद्ध हो उठा। माता का भव्य रूप देखते ही बन रहा है। भक्त बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए मंदिर में पहुँचे हैं और खूब जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पर माँ शक्ति पीठ पीताम्बर मंदिर है। यहाँ पर हमेशा बचपन से ही दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसी भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में थोड़ी ज्यादा भीड़ है। देखिए, मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से लाइटिंग है, कैसा कुछ कहना चाहते हो मंदिर में? लाइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, जगमगा रहा है, बढ़िया दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया है। दूर से हाईलाइट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। माई के दरबार को बहुत भव्यता के साथ सजाया गया है और यहाँ भक्तगण आकर के सभी लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए वहाँ से जो है प्रार्थना कर रहे हैं और माई के दिव्य दरबार में शक्तिपीठ में आने पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि मिलती है, यश कीर्ति मिलती है, वंश वृद्धि मिलती है। ये सारा सब कुछ माई के श्री चरणों में असंभव को संभव करने की माई सामर्थ्य रखती हैं। वहीं दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में भी भक्त देवी माँ की श्रद्धा में पूरी तरह से लीन दिखे। छतरपुर स्थित श्री पीताम्बरा पीठ में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचे और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना माता के सामने रख रहे हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।